Welcome to the free study jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies. तो आज हम लोग last lecture देख रहे हैं production का. इसमें हम लोग discuss करेंगे welding. पूरी welding हम लोग cover कर इसमें हम लोग वो करेंगे. ठीक, तो ये 25 days के crash course का. तो इसके बाद हम लोग मतलब कुछ topic क्या हुए हैं जो कि SSC JEE के syllabus में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन वो कभी कभी पूछे गए हैं. तो ऐसे टॉपिक हम लोग मतलब कि नेक्स्ट वो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. ठीक, और जब वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस में. ठीक, तो वेल्डिंग क्या होता है. वेल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच परमानेंट ज्वाइंट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द मटेरियल अप टू सुटेबल टेम्परेचर विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल. ठीक, तो इसमें हम लोग परमानेंट ज्वाइंट को बनाते हैं बेसिकली. ठीक, विद द हेल्प ऑफ हीटिंग. अभी देखिए कुछ इसमें वेल्डिंग टर्म्स हैं. पहला है बैकिंग. तो ये बैकिंग क्या होता है. इट इज द मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइडेड एट द रूट साइड ऑफ अ वेल्ड टू एड इन द कंट्रोल ऑफ पेनेट्रेशन. ठीक, मतलब कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो पेनेट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ मटेरियल को रूट साइड में एड वो कर देते हैं. ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं बैकिंग. इसके बाद आता है बेस मेटल. तो मेटल टू बी ज्वाइंट और कट उसको हम लोग बेस मेटल बोलते हैं. ठीक, मतलब कि जिस पे हमें मेन ऑपरेशन करना है उसको हम लोग बोलते हैं बेस मेटल. इसके बाद आता है डिपोजिशन रेट. द रेट एट विच द वेल्ड मेटल इज डिपॉजिटेड पर यूनिट टाइम. ठीक, मतलब कि जब मेटल डिपॉजिट होता है तो उस मतलब कि किस रेट से हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिपोजिशन रेट. और इसको हम लोग मतलब इसकी जब हम लोग लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर आवर. ठीक, इसके बाद आता है पडल. तो ये क्या होता है पडल. द पोर्शन ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट दैट इज मेल्टेड बाय द हीट ऑफ वेल्डिंग. देखिए कुछ पोर्शन ऐसा होता है कि जिसमें हमें वेल्डिंग नहीं करनी होती बट वो वेल्डिंग की हीट के द्वारा मेल्ट हो जाता है. ठीक, तो उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पडल. इसके बाद आता है बीड. तो बीड इज द मेटल एडेड ड्यूरिंग अ सिंगल पास ऑफ वेल्डिंग. ठीक, इसके बाद देखिए वेल्डिंग के अब हम देखते हैं टाइप्स. ठीक, इसका मतलब क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट और सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट. ठीक, सॉलिड स्टेट ऑटोजीनियस होती है, मतलब कि इसमें हम फिलर मेटल का यूज नहीं करते हैं. ठीक, होमोजीनियस में क्या होता है कि जो आपका फिलर मटेरियल वो मतलब कि फिलर मटेरियल जो होता है वो मतलब कि सेम होता है बेस मटेरियल से. ठीक, और हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि फिलर मटेरियल डिफरेंट होता है बेस मटेरियल से. ठीक, अब देखिए सॉलिड स्टेट में तीन टाइप की आती है, वो चार टाइप की वेल्डिंग आती है. कोल्ड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग और फोर्ज वेल्डिंग. कोल्ड में तीन टाइप की आएंगी, प्रेशर, एक्सप्लोसिव, अल्ट्रासोनिक. इसके बाद लिक्विड स्टेट में आर्क वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग और ये और आएगी रेजिस्टेंस वेल्डिंग. ठीक, तो आर्क में आएगी सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग. केमिकल रिएक्शन में गैस वेल्डिंग और थर्माइट वेल्डिंग. रेजिस्टेंस में स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग. ठीक, इस तरह से आएंगी. इसके बाद आप देखेंगे सॉलिड लिक्विड में, तो इसमें दो टाइप की आएंगी, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग. ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं आर्क वेल्डिंग से. देखिए आर्क वेल्डिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है. तो ये होता है आर्क इज जनरेटेड बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैथोड एंड एनोड व्हेन दे आर टच्ड टू एस्टेब्लिश द फ्लो ऑफ करंट एंड देन सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. ठीक, मतलब कि इसमें जो आर्क जनरेट होती है वो कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनसे होती है. ठीक, अब इसमें देखिए जितना एयर गैप ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच का उतना ही ज़्यादा हायर पोटेंशियल डिफरेंस हमें करना होगा. ठीक, अब इसके बाद देखिए सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग. देखिए टेम्परेचर जो होता है कोर में वो कितना होता है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में, 6000 से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक. एंड इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एसी एंड डीसी सोर्स विद ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक. ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कॉन्स्टेंट करंट कैरिंग कैरेक्टरिस्टिक. ठीक, अब थर्ड है नॉन फेरस मेटल डिफिकल्ट टू वेल्ड. ठीक, ये सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में हम नॉन फेरस मेटल को वेल्ड नहीं कर सकते हैं. ओके, अब देखिए फ्लक्स कोटिंग मटेरियल का कौन कौन से होते हैं. डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट के रूप में हम एल्यूमिना, ग्रेफाइट, सिलिकॉन को यूज करते हैं. स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड के रूप में आयरन ऑक्साइड, SiO2, CF2 को यूज करते हैं. आर्क स्टेबलाइजर के रूप में Na2O, CaO, TiO2 और MnO को हम यूज करते हैं. ठीक, और हम लोग वेल्ड स्ट्रेंथ के रूप में CrW, ठीक, क्रोमियम, टंगस्टन, निकेल, कोबाल्ट, वेनेडियम इन सबको यूज करते हैं. ठीक, अब देखिए फंक्शन ऑफ फ्लक्स क्या होता है.
तो देखिए बीड बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन पेरेंट मेटल, ठीक, प्रोवाइड हीट ट्रीटमेंट टू बीड, आर्क स्टेबलाइजेशन इज गुड एंड कंट्रोल्स वेल्ड पूल विस्कोसिटी, ठीक। तो ये आपके फंक्शन होते हैं फ्लक्स के। इसके बाद देखिए डायरेक्ट करंट रिवर, देखिए इसमें हम कहीं कहीं में हम लोग देखेंगे DCRP, DCSV इस तरह से वर्ड मिलेंगे। तो देखिए DCRP का फुल फॉर्म हो गया डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी, और DCSP का होगा डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी, ठीक। तो हम डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी के बारे में पढ़ ले रहे हैं, और इसी का अपोजिट होगा आपका DCSP, ठीक। डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी में इलेक्ट्रोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो वर्कपीस होगा वो निगेटिव होगा। हीट जनरेशन 2/3 होगी इलेक्ट्रोड पे, ठीक, मतलब कि 66% जो हीट जनरेट होगी वो कहाँ पर होगी, इलेक्ट्रोड पे। इसलिए मेटल डिपोजिशन रेट जो होगा वो हाई होगा और पेनेट्रेशन लो होगा, ठीक। अगर हम DCSP की बात करें डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी की, तो इलेक्ट्रोड निगेटिव होगा, वर्कपीस पॉजिटिव होगा और हीट जनरेट होगी 66% होगी वर्कपीस में और 33% होगी आपकी इलेक्ट्रोड में, ठीक। मेटल डिपोजिशन रेट लो होगा और पेनेट्रेशन हाई होगी। इसके बाद हम देखते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मतलब TIG वेल्डिंग, ठीक। तो देखिए इसमें हम लोग नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक, कि नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड हम किस वेल्डिंग में करते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा TIG वेल्डिंग में, ठीक, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में। और फॉर इंक्रीज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, थोरियम एंड बेरिलियम आर एडेड, ठीक। थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम थोरियम और बेरिलियम को ऐड करते हैं। नाइट्रोजन इज यूज फॉर वेल्डिंग कॉपर, ठीक, मतलब हम कुछ शील्डिंग गैस का यूज करते हैं ना मोल्टन मेटल को चारों तरफ से कवर करने के लिए, ठीक। तो हम कुछ शील्डिंग गैस का यूज करते हैं, देखिए नाइट्रोजन को हम यूज करते हैं कॉपर की वेल्डिंग में, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं वो स्टील की वेल्डिंग में, ठीक। देखिए अब इसमें अगर हम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी मटेरियल के लिए हम TIG वेल्डिंग में डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी को यूज करते हैं, ठीक, और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के लिए हम AC करंट को यूज करते हैं, ठीक। अब इसके बाद इट कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग इन एनी पोजीशन, TIG वेल्डिंग में हम किसी भी पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग MIG वेल्डिंग, इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ स्पूल वायर इज यूज, ओके, इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं, ओके, और इसमें हम DCRP इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ ऑल मटेरियल, ठीक। डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी को यूज करते हैं। अब आप इस मतलब कि DCRP से देख सकते हैं कि इसमें मेटल डिपोजिशन रेट कितना होगा, पेनेट्रेशन कितना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था DCRP में मेटल डिपोजिशन रेट हाई होता है और पेनेट्रेशन लो होता है। तो इससे आप ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, ओके। अब इसमें देखिए कॉन्स्टेंट वोल्टेज टाइप ऑफ पावर सोर्स इज यूज, और इसके बाद है यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड निकल, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इट इज सेमी ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक। अब देखिए एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोड का रिलेटिव मूवमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू वर्कपीस, तो उसको हम लोग ऑटोमेटिकली वो मतलब कि कंट्रोल करते हैं, ठीक। और सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोड का जो मतलब कि मूवमेंट होता है उसको तो हम लोग ऑटोमेटिक करते हैं कंट्रोल, बट जो रिलेटिव मूवमेंट होता है उसको हम लोग मैनुअली करते हैं वो कंट्रोल, ठीक। तो ये होता है डिफरेंस ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक में, ओके। तो इट इज सेमी ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें हम AC एंड DC पावर सोर्स का यूज करते हैं, और बेस्ट सूटेड फॉर हाई डिपोजिशन रेट, हाई वेल्डिंग स्पीड, हाई डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन। फ्लक्स मटेरियल कौन कौन से होते हैं, CaO एंड CaF2, एंड यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ बॉयलर्स, प्रेशर वेसल्स एंड शिप बिल्डिंग, ओके। ओनली फ्लैट पोजिशन वेल्डिंग इज पॉसिबल, ओके। तो समर आर्क वेल्डिंग में सिर्फ फ्लैट पोजिशन वेल्डिंग ही पॉसिबल है। इसके बाद है ये प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, आर्क इज बींग क्रिएटेड बिटवीन द टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस, प्लाज्मा गैसेस बाई टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द स्पार्क कन्वर्ट्स इंटू प्लाज्मा, ओके। एंड टेम्परेचर जो होता है प्लाज्मा का वैसे तो 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन हम उसको रिस्ट्रिक्ट करके 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही लाते हैं, ओके। तो अप्लीकेशन का क्या है इसका, वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम मेटल्स हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ओके। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, ओके।
तो वेल्डिंग इज स्टार्टेड बाय जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक आर्क एंड कंप्लीटेड बाय रेजिस्टिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ स्लैग मटेरियल। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क को जनरेट करेंगे और उसके बाद रेजिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट हम स्लैग मटेरियल में डेडवुड डालेंगे। ठीक, फिर जैसे ही टेम्परेचर कम होगा फिर से हम उसको हीट करेंगे। ठीक, तो मोल्टन मेटल का टेम्परेचर मतलब कि जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे हम उसको अगेन हीट वो करते जाएंगे। ओके, तो इसमें हम हाई रेट ऑफ करंट विद TCRP इज यूज। ओके, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी एंड यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ थिक प्लेट्स अप टू 450 mm। ओके, एंड वेल्डिंग इज डन इन ओनली वर्टिकल पोजिशन। ठीक, देखिए इसमें समर आर्क वेल्डिंग में ओनली फ्लैट पोजिशन में पॉसिबल थी और इलेक्ट्रो स्लैग में ओनली वर्टिकल पोजिशन में पॉसिबल है। ओके, अब हम इसके बाद देखते हैं गैस वेल्डिंग। देखिए गैस वेल्डिंग में दो गैस का यूज करते हैं, एक हो गई ऑक्सीजन और दूसरी हो गई एसिटिलीन। ठीक, दोनों के मिक्सचर को हम प्रोवाइड करेंगे और हीट करेंगे और फिर जैसे कि होता है मतलब कि प्रेशर के थ्रू अप्लाई करके हम उसको वेल्डिंग करेंगे। ठीक, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो प्रेशर होता है वो होता है 135 बार पे हम उसको स्टोर करते हैं और जो वो सिलेंडर का कलर होता है ब्लैक, और वो एसिटिलीन सिलेंडर का कलर होता है मैरून और उसको हम स्टोर करते हैं 15 बार में। ठीक, और इसको हम लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं। ओके, एसीटोन में। ओके, अब इसका टाइप ऑफ फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम में एसिटिलीन और ऑक्सीजन का रेशियो इक्वल होता है 1:1। ठीक, और इसको हम यूज करते हैं यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील एंड एल्यूमिनियम। और इसमें जो टेम्परेचर होता है इनर कोर का वो होता है 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है, तो देखो भाई, देखिए इसमें आपको रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसमें आप बस ये देख लीजिए कि कार्बोराइजिंग फ्लेम में C2H2 मतलब कि ये एसिटिलीन वो ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा। ठीक, और इसमें जो टेम्परेचर जो होगा इनर कोर का वो होगा 2900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ मीडियम कार्बन स्टील, निकल। ओके, अब इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो रेशियो होता है एसिटिलीन और ऑक्सीजन का वो होता है 1:1.5। ठीक, मतलब ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी। और टेम्परेचर जो होगा इनर कोर का वो होगा 3300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ कॉपर एलॉयज, ब्रास, ब्रोंज एंड जिंक बेस्ड मटेरियल्स। ठीक, अब इसके बाद देखिए थर्माइट वेल्डिंग। तो थर्माइट वेल्डिंग में हम एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के मिक्सचर को एक उसमें लेते हैं क्रूसिबल में, फिर हम उसको हीट करते हैं। ठीक, तो इसमें आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, 8 Al प्लस 3 Fe3O4 चेंज होगा 4 Al2O3 प्लस 9 Fe प्लस हीट जितनी भी निकल रही होगी। और एल्यूमिनियम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इस वेल्डिंग को हम यूज करते हैं इन रिपेयर ऑफ रेलवे ट्रैक। ठीक, ये मतलब कि इसका एप्लीकेशन कई बार पूछा गया है कि थर्माइट वेल्डिंग हम कहाँ पर यूज करते हैं, या फिर पूछा जाएगा कि वो रेलवे ट्रैक में किस वेल्डिंग को यूज करते हैं। ठीक, तो इसके बाद आते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। इसमें हम हीट जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। ओके, और इसमें फिलर मटेरियल शील्डिंग गैस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, इसके बाद देखिए स्पॉट वेल्डिंग में कॉपर इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है। इंडेंटेशन इज प्रोड्यूस्ड बाई प्रेशर। ठीक, प्रेशर के थ्रू हम इंडेंटेशन को मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, हाई करंट का यूज होता है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी एट द इंटरफेस ऑफ द टू सेट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर गैप। ठीक, इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, ये भी कई बार आया है कि मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ पर होता है प्रोड्यूस, तो वो कहाँ पर होता है, एट द इंटरफेस बिटवीन द टू सेट्स। ओके, अब इसमें देखिए ये टाइम जो मतलब टोटल टाइम जो वेल्डिंग टाइम है उसको चार भाग में डिवाइड किया गया है, SWHO। ठीक, इस तरह से याद करिए, स्क्वीज टाइम, वेल्डिंग टाइम, होल्ड टाइम, ऑफ टाइम। ठीक, और इसका डायग्राम दिया गया हुआ है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं सीम वेल्डिंग में ये कॉन्टीन्यूस स्पॉट वेल्डिंग है। प्रेशर को हम अप्लाई करते हैं रोलर्स के थ्रू, लीक प्रूफ ज्वाइंट इसमें प्रोड्यूस होते हैं, यूज फॉर वेल्डिंग थिन मटेरियल के लिए हम इसको करते हैं यूज, और इसमें AC पावर सोर्स का हम करते हैं यूज़। ठीक, अब इसके बाद आता है प्रेशर वेल्डिंग हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्म, क्योंकि हम इसमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक प्लेस। ओके, एंड इट इज़ यूज फॉर कॉपर, कैडमियम एंड लेड
एंड इट इज़ यूज इन हाईली एक्सप्लोसिव एरियाज. ओके, इसके बाद आता है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग. इसमें हम क्या करते हैं, लो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं. इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी यूज होता है. ठीक, इसमें देखिए डायग्राम में दिया हुआ है, नीचे टारगेट प्लेट है जिसमें हमें वेल्डिंग अप्लाई करनी है. ऊपर पूरा ये वो दिया हुआ है सिस्टम. देखिए जो ऊपर दिया हुआ है वो सिस्टम, उसके और वर्कपीस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1/4 to 1/2 ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लायर प्लेट. ठीक, तो देखिए और ये एंगल कितना आना चाहिए, 10 to 15 degree. ठीक, सबसे नीचे है फ्लायर प्लेट, फिर है रबर स्पेसेस और ऊपर है एक्सप्लोसिव मटेरियल. ठीक, तो ये आपको डाटा याद होना चाहिए और इसका सीरियल याद होना चाहिए. ठीक, ये ठीक, सबसे नीचे फ्लायर प्लेट, फिर वो रबर स्पेसेस और ऊपर एक्सप्लोसिव मटेरियल. ठीक, और इसमें इसकी जो एक्यूरेसी होती है इस वेल्डिंग में वो कम होती है. ठीक, लेस एक्यूरेसी, एंड इट इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर. ओके, अब इसके बाद आता है वो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग. इसमें क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन वो होती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसको हम कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में. ओके, और इसमें जो वेल्ड जोन होता है वो कितना होता है, 0.25 mm to 1 mm, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 20 to 200 kV. करंट रेंज होती है 50 to 500 mA, एंड इट इज़ यूज इन वेल्डिंग ऑफ निकल, टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील, एंड यूज इन डिफेंस सेक्टर. इसके बाद आता है लेजर बीम वेल्डिंग. इसमें क्या होता है, अ कंसनट्रेटेड कोहेरेंट लाइट बीम इम्पेंजेस एट द डिजायर्ड स्पॉट टू मेल्ट एंड वेल्ड द मेटल. ओके, इस देखिए लेजर में वो मतलब कि जो लेजर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हीलियम का मिक्सचर होता है, और इसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, CO2 एंटोर हीलियम का 1:1:10, ये आप याद कर लीजिए. और इसमें जो वेल्ड जोन होता है वो कितना होता है, 0.05 to 0.1 mm तक. ठीक, अब इसके बाद आता है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग. इसको हम लोग डिफरेंस की तरह देखेंगे. तो ये सोल्डरिंग में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो फिलर मटेरियल का होता है वो होता है 430 degree centigrade से कम, और वो बेस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से भी कम होना चाहिए. जबकि उसमें ब्रेजिंग में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ फिलर मटेरियल इज ग्रेटर देन 430 degree centigrade बट लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेस मटेरियल. ठीक, जो मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ फिलर मटेरियल होता है वो 430 degree centigrade से ज़्यादा होना चाहिए और बेस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए. अब उसमें सोल्डरिंग में जो फिलर मटेरियल का यूज करते हैं वो लेड और टिन के अलॉय को यूज करते हैं. ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं सोल्डर. और फिलर मटेरियल में हम कॉपर जिंक या फिर कॉपर सिल्वर या फिर कॉपर एल्युमिनियम के अलॉय को यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेल्टर. और टेम्परेचर जो होता है इसमें सोल्डरिंग में वो होता है 180 to 250 degree centigrade तक, और जो इसमें ब्रेजिंग में होता है वो होता है 600 to 850 degree centigrade तक. फ्लक्स होता है सोल्डरिंग में जिंक क्लोराइड और HCl का, और इसमें ब्रेजिंग में होता है फ्लक्स बोरेक्स एंड बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड. और जो स्ट्रेंथ होती है सोल्डरिंग जॉइंट की वो होती है कम, और वो ब्रेजिंग की ज़्यादा होती है स्ट्रेंथ. ठीक, अब देखिए टाइप ऑफ सोल्डर, चार टाइप के होते हैं सोल्डर. ठीक, सॉफ्ट सोल्डर, मीडियम जो हमारे इलेक्ट्रीशियन यूज करते हैं या फिर जो प्लम्बर यूज करते हैं. ठीक, अब उनका कंपोजिशन देख लेते हैं लेड और टिन का. सॉफ्ट सोल्डर में 40-60 का होता है लेड और टिन का, मीडियम में 50-50 का होता है, इलेक्ट्रीशियन में 60-40 का होता है लेड और टिन का, और ये प्लम्बर में 70-30 का होता है. अब इसके बाद हम देखते हैं वेल्डिंग डिफेक्ट्स. ठीक, तो इसमें पांच टाइप के डिफेक्ट्स दिए हैं, वेल्ड पोरोसिटी, स्लग इंक्लूजन, इनकम्प्लीट फ्यूजन, कोल्ड क्रैकिंग एंड हॉट क्रैकिंग. ठीक, तो इनके आप नाम याद कर लीजिए. देखिए स्लग इंक्लूजन जैसे हो जाएगा कि इसमें ऑक्साइड फ्लक्स कुछ मतलब इंट्रैप वो कर गया है वेल्डिंग जो भी जॉइंट है उसमें, वेल्ड पोरोसिटी में या फिर कोई गैस कर गई है इंट्रैप. ठीक, इनकम्प्लीट फ्यूजन में क्या है कि मतलब कि इनकम्प्लीट मतलब कि इनसफिशियंट हीट है. ठीक, इस तरह से वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं. ठीक, तो इनके आप नाम याद कर लीजिए. तो ये आपका वेल्डिंग आज कवर हो गया है, और आज से आपके SSC JEE के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है वो पूरा कवर हो गया है. ठीक, अब हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक मतलब कि कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं वो हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. ठीक, सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.